नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजान। और खास बात की आज इस विशेष कार्यक्रम में एक जो शख्सियत है उनसे हम तारुफ करवाएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उनकी पहचान केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम गायकी में लिया जाता है। और खास तौर से ये गायक कलाकार जिसने पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान का नाम रोशन किया है, उनका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान के नाम से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। राजस्थानी संगीत की बात हो या फिल्मी संगीत की बात हो या गायकी के किसी भी रियलिटी शो की बात हो, कहीं ना कहीं उनका चेहरा वहां पर नजर आता है और जल्दी ही एक जगह नजर और आने वाला है। तो सीधा रुख करते हैं शाहरुख खान जी का और शाहरुख जी से जानते हैं कि आखिर जिस तरीके से राजस्थान से निकलकर एक छोटे से कस्बे से गांव से निकलकर हिंदुस्तान में जो एक अलग पहचान जो कायम की है, आखिर कैसा सफर रहा, बात यहीं से शुरू करते हैं। जी शाहरुख जी, नमस्कार खमांगणी आप सभी को। और प्रदीप जी, बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करें और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और बिल्कुल मेरी जो म्यूजिक जर्नी है बहुत ही खूबसूरत और कठिन रही। खूबसूरत इसलिए कि मैं एक म्यूजिक घराने से आता हूँ, मंगनियार घराना, जो अपने आप में बहुत बड़ा घराना है और जो अपने जज्बानों के लिए गाने बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और गाते आए हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। सो उस घराने से हूँ। मेरे ताऊजी उस्ताद अनोर खान मंगनियार, जो पद्मश्री नॉमिनेट है, और पापा उस्ताद नियाज खान साहब, जो बहुत दोनों बहुत अच्छे हमारे मंगनियार घराने के फोक लेजेंड्स है, वो उनसे म्यूजिक सीखा थोड़ा बहुत राजस्थानी फोक। देन बाकी जितने भी बॉलीवुड गाता हूँ मैं आजकल, सूफी गजल्स, ये खुद से मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है। और तो राजस्थान अपने आप में नाम ही बहुत बड़ा है, जहाँ की कल्चर, जहाँ की संस्कृति आपको खुद ही मतलब एक नेचुरल पावर जो होती है ना, वो दे देता है कि आप राजस्थान से हो, तो एक प्राउड फील होता है कि हम राजस्थानी, तो हम किसी से कम नहीं है। लाइक वैसा होता है एनर्जी अंदर से, तो आप लोग कहीं भी पीछे नहीं हटते। तो ऐसा ही मेरे साथ मेरी म्यूजिक जर्नी में, मैं जहाँ भी गया वहाँ पे मैं एकदम से मतलब पावर से मैंने अपना बेस्ट किया। और आज इंडियन आइडल के मंच पे भी मैं गया, वहाँ पे मुझे वो पहचान मिली जो मैं कभी नहीं सोच पाता। आज शाहरुख खान के नाम से जानते हैं, वहाँ जाके मैंने अपना राजस्थानी फोक प्रेजेंट किया। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स सीखा, बॉलीवुड म्यूजिक सीखा पूरा वहाँ पे। और आज लोग मुझे प्लेबैक सिंगर के नाम से भी जानते हैं। शाहरुख जी, जिस तरीके से पूरा जो राजस्थान से सफर रहा, मुंबई तक भी आपने सफर तय किया, लगातार आप कर भी रहे हैं, कुछ फिल्मों में भी आपने गाने गाए हैं, और उन फिल्मों की अगर बात करें, पद्मावत की बात करें या पीके मूवी की बात करें, तो यहाँ भी उन गानों में कहीं ना कहीं राजस्थानी जो एक संगीत होता है, राजस्थानी एक जो मिठास होती है, संगीत की जो मिठास होती है, वो भी कहीं ना कहीं उन गानों में झलकती है। कैसा मानते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मेरा एक तो सबसे प्लस पॉइंट आप समझ सकते हो कि मैं जहां भी जाता हूँ अपने राजस्थानी म्यूजिक को मैं हमेशा आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो छलकी छोकरो, पीके हो या घूमर सॉन्ग हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थानी कल्चर में वो पावर है जो आपकी फिल्म हो या आपकी कोई कहानी हो, राजस्थानी म्यूजिक का जो पावर है ना, वो उस फिल्म को और चार चांद लगा देता है। और अगर हमारे थीम ही राजस्थानी हो तो वो गाने और सुंदरता आ जाती है। बिल्कुल, सुंदरता आ जाती है उसमें भी। मुझे याद करते थे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। तो मैं अपना पूरा 110% देता हूँ कि राजस्थानी जो ओरिजिनलिटी है म्यूजिक, वो उसमें ज्यादा मात्रा में आए, जो भी फिल्म हो या गाना हो, ताकि वो ज्यादा ओरिजिनल लगे सॉन्ग, लाइक कि हाँ यार इस सॉन्ग के साथ न्याय हुआ। तो राजस्थानी म्यूजिक की खूबसूरती है कि वो हर फिल्म में, हर जगह, हर थीम के साथ वो फिट हो जाता है और लोगों को बहुत अपनापन और बहुत ही सुकून वाली चीजें महसूस कराता है वो हमारा म्यूजिक। आपने घूमर घूमर में भी आवाज दी है? जी, मेरी घूमर और ठरकी छोकरो और बाकी मैंने बॉलीवुड सॉन्ग भी लाइक गाए हैं। मुक्काबाज में अनुराग कश्यप जी के लिए गाया था, बहुत हुआ सम्मान। और मैंने नवाज भाई की फिल्म मोती चूर चकना चूर में गाया था, क्रेजी लगती।
तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी बात हो रही है। कौन सा गाना सबसे अच्छा पसंद है आपको? देखिए वैसे तो काफी गाने मेरे तो सब मेरे मतलब दिल के टुकड़े, बट ठहर की छोकरो काफी फेमस हुआ, घूमर बहुत फेमस हुआ, और विदाई सॉन्ग अभी मेरा रिलीज हुआ है हरी प्रेम फिल्म्स पे, वो भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं। चांद निकला पसंद किया गया मेरा, और गनगोर हमारे जो फेस्टिवल होते हैं, काफी ऐसे गाने हैं। तो जो, किसी जो, एक को नहीं बोलते। जो जो आपका बेहद जाहिर सी बात है सारे अच्छे गाने हैं, लेकिन जो बेहद अच्छा लगता है आपको कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, जरा चार लाइनें उसकी सुना दीजिए आप। बिल्कुल, ये इस गाने ने मुझे एक बहुत अलग पहचान दिलाई, लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं इस गाने। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, ए छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब जना, मरवाएगा तू ठरकी पिटवाएगा तू ठरकी, रे मत कर मत कर मत कर मत कर, अरे रे 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 की छोकरो आयो रे बन के मारो मेहमान, अरे ठर की छोकरो आयो रे बन के मारो मेहमान। स्वरूप जी, आपने इंडियन आइडल में भी भागीदारी निभाई थी, वहां भी आप टॉप 5 में रहे थे। इंडियन आइडल का सीजन अभी भी चल रहा है और फाइनल भी हो रहा है, तो इस सीजन में क्या लगता है कि आपने तमाम जो प्रतियोगी जो वहां पर रहे हैं काफी अच्छे, बाकी ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई इनमें से कोई फेलियर होगा, सभी पास ही हो, तो लेकिन कहीं ना कहीं एक या दो एक व्यक्ति को ही रखा जाता है, आपके हिसाब से कौन हो सकता है इस बार का विजेता? देखिए इंडियन आइडल जैसे हमारा फाइट हुआ था और जिसमें मैं टॉप 4 में था, और वहाँ पे बहुत अच्छे से सिंगर्स थे हम लोग सब, और भी सीजन के काफी अच्छे सिंगर्स थे, लेकिन आइडल 12 में जो सिंगर्स आए ना वो मतलब एक अलग अलग ही अलग ही लेवल के सिंगर्स थे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी काफी मतलब तैयार ट्रेंड होके आए हैं और काफी तैयार और ट्रेंड होकर आए हैं, तो इनको मतलब अभी एक किसी एक को विनर बोलना मुश्किल होगा मतलब मेरी तरफ से, बिकॉज सारे टैलेंटेड, मैं सबको प्यार देता हूँ, और चाहे वो हनमुख प्रिया हो, अरुणिता हो, पवनदीप हो, दानिश हो, शैली हो, बहुत सारे जो टॉप 6 है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी एक का बोलना है तो मैं अभी आई थिंक अरुणिता की जो वॉइस है ना वो मुझे प्लेबैक लगती है, अगर मैं म्यूजिक कंपोजर बन जाऊंगा और अरुणिता के पास टाइम होगा तो जरूर मैं और अरुणिता एक डुएट सॉन्ग करना चाहेंगे, तो इसलिए वो एक मन में आ रहा है कि अरुणिता जीत सके, बाकी सब टैलेंटेड है, पवनदीप अमेजिंग है, रॉकस्टार है, वो भी जीत सकता है, मतलब ट्रॉफी के लिए आगे अभी आई थिंक जीतते आए मेल सिंगर फीमेल सिंगर, हालांकि यहाँ बात लड़की और लड़के की नहीं हो रही, बट हो सकता है कि यहाँ आवाज की एक और आगे बढ़ जाए, क्या पता जी। मतलब आपका कहना यह है कि जो अरुणिता है वो ट्रॉफी, जीत की ट्रॉफी इस बार शायद उसके हाथों में जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर घूमर गाना भी परफॉर्म करने वाली है, तो घूमर गाना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर श्रेया जी अगर कोई गा सकते तो वो अरुणिता है, और बहुत अच्छी आवाज, मीठी आवाज, और मैंने सुना भी है, तो मुझे उम्मीद है कि वो एक बहुत बड़ी प्लेबैक वॉइस है, बाकी सारे जितने भी सिंगर है सभी के सभी प्लेबैक सिंगर्स है, और आने वाले हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर अगर ग्रैंड फिनाले में होता तो जरूर मैं सपोर्ट करता, और हालांकि अभी भी मैं दुआएं प्यार देता हूँ कि वो जितनी भी हो सके कामयाबी पाए लाइफ, बिल्कुल ज्यादा पाए। और यहाँ पर एक सवाल ये कि आपने राजस्थान के एक छोटी सी जगह से एक मुंबई तक का जो सफर तय किया, क्योंकि आदमी जब कहीं भी किसी अपनी मंजिल की ओर निकलता है तो कहीं ना कहीं उसकी एक उम्मीदें, एक आशाएं, एक ख्वाब होते हैं कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है, मेरी मंजिल क्या होगी। तो यहाँ अगर हम माने कि स्वरूप खान की मंजिल अब आगे क्या हो सकती है, यहाँ से आगे या पहले से क्या थी जब आपने शुरुआत की थी तब को देखते हुए और आज के बाद आने वाले वक्त में?
देखिए सबसे मैं आपको अगर दीप में बात बताऊं तो मैं भैया गांव से हूं। भैया गांव बहुत खूबसूरत है हमारा, हमारे जज्बानों के लिए हम म्यूजिक क्रिएट करते हैं। और वहां पे क्या ना कि आप पहले से मुझे पता था कि मैं फोक म्यूजिक करूंगा और हमारा यही यही काम होगा और ये गाना बजाना होगा, यही गाना बजाना है और यही फोक म्यूजिक को आगे लेके जाना है। बट उसके बाद मुझे जाके एक रियलिटी शो के बारे में पता चलता है, वो इंटरनेट, उसने मुझे एक ताकत दे दी, हिम्मत दे दी कि नहीं आपको फोक के साथ साथ आपको और भी हमें चीजें सुनानी पड़ेगी इन बॉलीवुड हैवी म्यूजिक। तो मैंने वहीं से मेरा एक ड्रीम बना लिया कि अब मुझे अब बहुत अच्छा म्यूजिक म्यूजिक में नाम करना है और सिंगर बनना। तो इंडियन आइडल ने सपोर्ट किया, वो मंच दिया जहाँ पे मुझे काफी लेजेंड्स लोगों से सीखने को मिला, अनु मलिक जी, सुनिधि चौहान मैम और अपना सलीम मर्चेंट सर, जिन्होंने, वो हमारे जजेस थे, उनसे बहुत कुछ टिप्स मिले हमें सीखने को। बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी और निखार लाना है। तो अभी मेरा जो फोकस है वो म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्शन पे, मैं क्रिएट करूँ। लाइक गांधी ने हमें देश दिया, हमने गांधी को क्या दिया, लाइक पैसा। तो मुझे अभी म्यूजिक में लेजेंड्स ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखने को मिला जितना मैं सीख पाया। बट अभी अभी मैं लोगों के लिए क्या म्यूजिक क्रिएट कर सकता। तो यानी अभी अभी आप म्यूजिक बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी? मतलब जी, म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में आप सामने आना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। मैं बहुत सारे मेरे गाने, जैसे मैंने विदाई का म्यूजिक किया था, उसमें मेरा कंपोजिशन मेरी थी, मैं लिखता भी हूँ, मैंने गाया भी है। और मेरा अभी नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है बालम, जो बहुत जल्दी रिलीज होगा, उसको मैंने लिखा भी है, गाया भी है और इसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया है मिस्टर अमोल डांगी ने। तो ऐसे करके मैं डायरेक्शन में हूँ, मैं कंपोजिशन क्रिएट करता हूँ। तो अभी अगर आगे की फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग यही कि मुझे बहुत सारे गाने खुद से बनाने हैं, जो मैं अपने तरीके से लोगों को सुनाना चाहूंगा कि भाई आपने जो भी म्यूजिक सुना है, अब मेरी भी जो मैंने क्रिएट किया है वो चीजें सुन। तो मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ कि मैं सिंगिंग के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्शन में भी अपना हाथ आ। अच्छा सौरभ जी, एक सवाल ये कि अक्सर ये चीज़ मानी जाती है, कहा भी जाता है कि खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में या तो जब तक कोई बैकिंग ना हो, किसी भी कलाकार की अगर कोई बैकिंग ना हो तो उसे बहुत ज़्यादा मौके नहीं दिए जाते हैं, चाहे वो एज ए आर्टिस्ट हो, एज ए सिंगर हो या किसी भी विधा में हो सकता है वो। तो क्या वाकई सही है? आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मौके पे चौका मारना बहुत जरूरी है। लाइक हर जगह होता है ये, हमारे हर गांव में, ढाणी में, हमारे शहर में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में ये चीज होती है कि हमें वहां पे पहुंचना जरूरी है। फिर आपका मुझे लगता है कि कल्याण जरूर होता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मेरा कोई पीछे बैकअप ऐसा कोई सपोर्ट था। मैं एक टीवी शो पे गया था तो मैंने वहां पे जाके उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी। मैंने उनको एक ऐसा फोक सिंगर चाहिए था, ऐसा स्टोरी भी, ऐसा कि हाँ एक बंदे को ऐसी आवाज को आगे आना चाहिए। तो मुझे अगर लोग प्लेबैक में मौके दे रहे हैं तो इसका मतलब जी ये भी है कि मैं वहां पे पहुंचा हूँ। जी मैंने वहां पे, हम जिद करके नहीं बैठ सकते कि यार हम टैलेंटेड है, हमें आके काम, हम हमें आके घर से लेके जाओ, कौन लेके जाएगा भाई। बिल्कुल हमें हर चीज में, अगर हम नहाने के लिए भी बाथरूम जाते हैं तो अपने लिए जाते हैं ना, कि अपना अपन अच्छे स्वस्थ रहे, खाने बिल्कुल खाने सर के लिए सामान लेने जाते हैं, कपड़ों के लिए लेने जाते हैं, शॉपिंग के लिए, तो क्यों ना हम इंटरव्यूज के लिए जाए, क्यों ना हम ऑडिशंस दे, क्यों ना हम अपना बेस्ट दे, जो बेस्ट हो। स्कूल में भी हम टॉपर होने की कोशिश करते हैं ना कि भाई मेरा नंबर आए टॉप पे, ऐसा तो नहीं कि हम 12 नंबर भी आया या टॉप 10 में भी आ गए तो हमारा वैसा ही नाम होगा जो टॉप 1 का होगा। नहीं होगा, टॉप 1 इज टॉप 1, टॉप 2 और पिछले काफी टॉप वक्त टॉप में तो फोर नहीं। पिछले कुछ वक्त में तो राजस्थान के कई कलाकारों ने मुंबई में काफी नाम कमाया है। तो मतलब मुंबई ऐसा नहीं है कि आपको वो काटेगा, क्योंकि एक तो दूसरी अभी बीच में नेपोटिज्म की बात हुई थी, तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि अपने बच्चों को वो लोग क्या मार दे क्या, कुछ काम नहीं दे यार, सबको काम मिलता है। और आपको उनसे बेटर होना है तब जाके आप एक मंजिल हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज जो बेस्ट है वो तो बेस्ट रहेगा, आपको महा बेस्ट होना है। आप समझ रहे हो मेरी बात।
तब जाके आपको ये सारी शिकायतें दूर होंगी और आप कुछ काम कर पाएंगे। आपने अभी नेपोटिज्म की बात की है तो एक शब्द और आया था अभी कुछ समय पहले और वो भी काफी चर्चाओं में है, एक मीटू वाला शब्द है, हाँ इस पे क्या कहेंगे? मीटू देखिए, किसी के साथ जबरदस्ती करना तो वैसे भी यार कोई भी चीज, किसी को गाली देना ये भी गलत बात है। और मीटू जैसे मोमेंट में तो मैं अगर बोलना चाहूंगा तो ये कहूंगा कि जिसने भी जो भी किया है बहुत गलती किया है, और आगे से ऐसी इज्जत करना लड़कियों की बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की पहचान है हमारी बेटियां, हमारे हर हर एक इंसान जो है। तो मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट के साथ काम करेंगे तो आपका अच्छा ही होगा और हमारी बेटियों को संकोच नहीं होगी काम करने की, देश और आगे बढ़ेगा। सुरूप जी, आखिरी सवाल ये कि क्या सब कुछ आपने पूरा मुंबई और फिल्मों में और सारी जगह आपने काम किया है, कर भी रहे हैं, आगे भी आपकी प्लानिंग है, राजस्थान के लिए सुरूप खान क्या करना चाह रहे हैं राजस्थान के कलाकारों के लिए? देखिए मैं अभी तो अपने आप को एक आगे तक पहुंचाने में लगा हुआ हूँ। मैं एक थोड़ा बहुत अगर मैं बड़ा लाइक कुछ कर जाऊंगा इस इंडस्ट्री में तो ज़रूर मैं राजस्थानी फोक आर्टिस्टों को मदद करूंगा, लाइक उनको उनका वोकल्स उनके उनके टैलेंट को फिल्मों तक या कहीं और उस मंच तक पहुंचाने में मैं पूरी मदद करूंगा जो उन्हें उनका सपना है। और बाकी राजस्थान के लिए मैं म्यूज़िक क्रिएट करता रहूंगा और राजस्थान की जो पहचान है पगड़ी, ये लोगों तक इसका एक कल्चर है जो पहुँचाना है मुझे। मैं राजस्थानी हूँ लेकिन मैं सारा हिंदुस्तानी म्यूजिक भी कर सकता हूँ, मेरा नाम भी स्वरूप खान है, लाइक हिंदुस्तानी नाम है, नॉट लाइक एक धर्म का नाम है। ये हमारा धर्म जो है वो है देश, और उसी देश से नाम मिलता है स्वरूप खान, देश से मिलता जुलता मेरा मतलब। तो बिल्कुल बेहद जरूरी है कि जो राजस्थान की जो पगड़ी है, आन बान शान की जो प्रतीक है और जिसे काफी सम्मान दिया जाता है खासतौर से राजस्थान में, तो उसको कहीं भी नीचे आप नहीं आने देंगे, यही उम्मीद है। और राजस्थान के कलाकारों के लिए भी आप आगे काम करते रहें, उन्हें बढ़ावा देते रहें, आप जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। और रही बात हिंदुस्तान के सिनेमा जगत की, सिनेमा पर्दे की या इस तरह के कार्यक्रमों की, वहाँ भी राजस्थान के स्वरूप खान अपनी जौहर दिखाते रहें, कामयाबी कमाते रहें और आगे का सफर तय करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।